आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपको गर्माहट भरे माहौल से निकालकर 8 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे छोड़ दे, आपके शरीर पर एक भी कपड़ा ना हो, ऊपर से शीत गिर रहा हो और नीचे गीली जमीन आपको चुभे। जी हाँ, जब टेम्परेचर इतना कम होता है तो जमीन भी चुभने लगती है, और जमीन जो कि पानी से गीली हो, ना कि सिर्फ ओस से। शायद आप ऐसी हालत में आपको छोड़ने वाले को मन भर गालियाँ देंगे, और अगर आपका वश चला तो उसको उठकर पीट भी देंगे। लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं कर पा रही थी, वो तो बस अपनी एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही थी। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य, नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। हम आपके सामने आज फिर लेकर आ रहे हैं एक ऐसी अमानवीय घटना जिसे सुनकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर बच्चों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उन्हें इस तरह की सजा मिल रही है, उन्हें अपनी जिंदगी के लिए पैदा होते ही संघर्ष करना पड़ रहा है। वैसे तो संघर्ष से इंसान का पीछा कभी नहीं छूटता है, जब तक हमारी सांसें चलती हैं हम संघर्ष करते हैं। लेकिन जिन बच्चों की बात हम कहते हैं उनका संघर्ष तो उनके जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपसे एक बार इस घटना पर विस्तार से आपको बताने से पहले ये अपील करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ शेयर होने वाले कंटेंट को अपने सर्कल में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए शेयर से किसी एक बच्चे को इन तकलीफ भरे हालातों से मुक्ति मिल जाए, वो इन परिस्थितियों में जाने से बच जाए। हो सकता है कि किसी माता पिता को आपकी ही इस जानकारी की ज़रूरत हो और वो अपने बच्चे के हित में एक सही फैसला ले सके। ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश में घटी है। मध्य प्रदेश की एक महिला सोनम सुबह सवेरे लगभग 5 से 6 बजे के बीच पानी लेने के लिए नल पर गई थी। वहाँ पर पानी लेने के दौरान उनकी नज़र पास में ही खेत की गीली जमीन पर बिना कपड़ों के पड़ी हुई एक बच्ची पर उनकी नज़र गई। बच्ची के शरीर पर पूरा खून लगा हुआ था। सोनम डर गई, वो भागी और अपने घर में जाकर अपने पति जगदीश जी को इसकी सूचना दी। जो गांव के चौकीदार हैं उनका घर उनके जगदीश और सोनम जी के घर के एकदम बराबर में था। चौकीदार रघुनाथ जी उस दिन गांव में नहीं थे, वो बगल के ही गांव में अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पर उनका बेटा दीपक मौजूद था। सोनम और जगदीश जी ने दीपक को जाके सारी बात बताई, तब ये तीनों वापस उस जगह पर पहुंचे जहां बच्ची गीली जमीन पर लेटी हुई थी। बच्ची की सांसें रुक रुक कर आ रही थी, हर 10 सेकंड 15 सेकंड में वो एक बार सांस ले रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसको उस हालत में देखकर तीनों के ही मन में बहुत करुणा उठी, लेकिन साथ में एक डर भी था, और इस डर ने उनको उस बच्चे के लिए कोई भी ऐसा फैसला लेने से रोक दिया जो उसे थोड़ा सा उस कष्ट से मुक्ति दिला सकता था। वो हिम्मत नहीं जुटा सके कि बच्चे को वहाँ से उठा लेते या उसके शरीर पर कोई कपड़ा डाल देते। दीपक ने तुरंत अपने पिता को फ़ोन किया। रघुनाथ जी जो उनके पिता हैं और गांव के चौकीदार हैं, उन्हें जब इस बच्चे की जानकारी मिली तो तत्काल ही उन्होंने सरपंच जयश्री जी को और पुलिस को सूचना दी। सरपंच जयश्री जी के बेटे राम यादव भी थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां जब उन्होंने बच्चे को उस हालत में देखा तो सबसे पहले उन्होंने एक जो काम किया, जो अच्छा काम था, वो ये था कि बच्चे के शरीर पे उन्होंने एक कपड़ा डलवा दिया। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। होना ये चाहिए था कि जिसने भी बच्चे को उस हालत में देखा, बच्चे को सबसे पहले वहां से उठा लेना चाहिए था। लेकिन इस तरह की कोई भी घटना होने पर अक्सर लोग डर जाते हैं। पुलिस का भी डर होता है कि कहीं वो कहीं कानूनी पछड़ों में नहीं फंस जाए, और ये डर उनको बच्चों के लिए कुछ कारगर कदम उठाने से रोक देता है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी कोई बच्चा इस हालत में दिखे तो सबसे पहले उसे बचाने की कोशिश होनी चाहिए। वो जिस भी हालत में, उसको वहाँ से उठाकर निकटवर्ती अस्पताल में ले जाना चाहिए और उसे मेडिकल केयर दिलवानी चाहिए। खैर, पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। बच्चे को उन्होंने वहाँ से उठाया, एक टोली में लपेटा और तत्काल जिला अस्पताल की तरफ उन लोगों ने मूव किया।
जो स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स है उन पर अगर यकीन किया जाए तो पुलिस की गाड़ी के जो ड्राइवर थे उन्होंने वो बच्चे की हालत को देखकर इतना द्रवित हो गए थे कि 9 मिनट के अंदर उन्होंने 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया और बच्ची को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। रायसेन जिले में एक गांव पड़ता है निहालपुर, वहीं की ये घटना है। घटना जो है वो अभी 22 नवंबर को घटी है सुबह 5 से 6 बजे के बीच में। इस घटना की जानकारी भी रायसेन की CWC से प्राप्त हुई थी। सुनीता आर्य जी वहाँ CWC मेंबर है और बहुत ही एक्टिव है, सोशल इश्यूज को लेकर और बच्चों को लेकर बहुत संवेदनशील है। कभी भी इस तरह की कोई जानकारी होती है तो उनका बहुत सहयोग मिलता है। उनके सहयोग से ही हम उन सभी लोगों तक पहुंच पाए जिनकी इस बच्ची को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे राम यादव जी, सरपंच जयश्री जी के बेटे, और दीपक जो प्रथम 3 लोगों में से थे जिन्होंने इस बच्ची को वहां पर देखा था, और साथ ही चौकीदार रघुनाथ जी। जो जितने भी ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, जब हमने इनसे बात की तो सबका यही कहना था कि ऐसा लग रहा था कि बच्ची का जन्म उसी खेत में हुआ है। आसपास खून भी बिखरा हुआ था, बच्ची के शरीर पर भी बहुत खून लगा हुआ था। निश्चित ही जो जन्म के समय उसको बिना क्लीन किए ही वहाँ छोड़ दिया गया था। यहाँ बच्ची सकुशल है, अस्पताल में है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। बच्ची को हाइपोथर्मिया हो गया था और ये बहुत स्वाभाविक भी है। किसी भी बच्चे को जन्म लेने के तुरंत बाद यदि इतने ठंडे वातावरण में छोड़ दिया जाए, उसे कोई अटेंड ना करे, उसको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन ना हो, उसको कोई भी मेडिकल केयर ना मिले, उसको गर्माहट भरा माहौल नहीं मिले, तो अक्सर ये बच्चे हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं। वही इस बच्ची के साथ भी हुआ। फिलहाल ये बच्ची जिला अस्पताल में इलाजरत है। जो गौर करने वाली बात है इसमें वो ये है कि जिन्होंने वहाँ छोड़ा बच्ची को, उनका पता लगा लिया गया है। पुलिस ने जब इस हालत में बच्ची को देखा तो वो तुरंत सक्रिय हो गई। पता लग किया गया कि आखिर किसने बच्ची को वहाँ पर छोड़ा होगा, क्योंकि हमें ये भी पता चला कि जो वो रास्ता है वो बहुत चलता हुआ रास्ता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आसपास के शहर या डिस्ट्रिक्ट वहाँ लगते हों और कोई भी आते जाते वहाँ छोड़ सकता। मुख्य मार्ग से वो करीब 1.5 किलोमीटर अंदर है जहाँ ये बच्ची मिली है। बच्ची हरि सिंह जी के खेत में मिली है। अभी वहाँ पर कोई फसल नहीं थी खड़ी, वहाँ सिंचाई के लिए पानी छोड़ा हुआ था खेत में और उसी पानी में ये बच्ची वहाँ मौजूद थी। तो पुलिस सक्रिय हुई और ये मालूम हुआ कि मुरेल कला निवासी राम बाबू पटेल के घर में कुछ मजदूर कार्य कर रहे थे। पुलिस जब वहाँ पर पहुँची, लीड उन्हें कहीं से मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, तो पुलिस जब वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मजदूर अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी में, बल्कि निकल ही गए थे। रास्ते में उन मजदूरों को पकड़ा गया और पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तब ये पता चला कि उन्हीं मजदूरों में से एक मजदूर थे जिनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, ऐसा लगता था। जीवन सिंह उस मजदूर का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है, और उस बच्ची के पेट में दर्द हुआ और वो लोग उसको लेकर एक डॉक्टर के पास पहुँचे और वहीं बच्ची का जन्म हुआ। लौटते हुए ही उन्होंने हरि सिंह जी के खेत में उस बच्ची को छोड़ दिया। ऐसा जो प्रेस के लिए रिलीज जारी की गई है उसमें लिखा हुआ है, अगर जन्म डॉक्टर के यहाँ हुआ होता तो उसको क्लीन ज़रूर किया जाता और नाभि भी कटी होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इस मामले में। तो इसी से ऐसा लगता है कि संभवतः वहीं खेत में जन्म देने के बाद बच्ची को वहां छोड़ दिया गया। लोगों के पास सेफ सरेंडर का विकल्प मौजूद है, पर वो अपने बच्चे को पाल नहीं सकते हैं, जैसा कि हम अपने हर वीडियो में अंत में बताते हैं, तो वो सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। अपने जिले की CWC से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ बच्चे को सुरक्षित छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से कम बच्चे उस तकलीफ से बच जाएंगे जिस तकलीफ से अभी होकर ये बच्ची गुजरी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। ऐसा करने से जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आप तक भी पहुंच जाएगी। हमारी कोशिश है कि देश भर में जहां भी इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं वहाँ से ऑथेंटिक जानकारी लेकर
हम आप तक पहुंचाएं और इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाएं, लोगों की सोच बदलें और इस सोच को बदलने में आप सूचनाएं शेयर करके हमारा योगदान, हमारा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।